नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। दानवीर भामाशाह की जयंती 23 अप्रैल 2023 को शुभ अवसर पर भारत विश्व का नंबर वन देश आबादी के मामले में बना कार्यक्रम का आयोजन भामाशाह सेना तथा यूथ इंडिया के सौजन से वार्ड नंबर 16 पश्चिमी मोहन बिघा में धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह सेना के संस्थापक शिव गांधी थे। कार्यक्रम का आयोजन भामाशाह सेना के वार्ड अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने किया। सभा को संबोधित करते हुए भामाशाह सेना के संस्थापक शिव गांधी ने लोगों को कहा कि भामाशाह की जीवनी से तथा उनके कृतित्व से सीखना चाहिए। भामाशाह ने राणा प्रताप के साम्राज्य को वापस लाने के लिए अपना सारा धन दौलत दान स्वरूप दे दिया था ताकि राणा प्रताप अपना सेना तैयार कर सके और मुगलों से लड़ सके। आइए आपको सुनाते हैं कि शिव गांधी ने क्या कहा। दानवीर भामाशाह की जयंती पर संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामना और ढेर सारी बधाइयां। आज बहुत खुशी की बात है कि भामाशाह सेना द्वारा वार्ड नंबर 16 में हमारे वार्ड के भामाशाह सेना के अध्यक्ष सत्यनारायण जी के बहुत ही हिम्मत करने से और जितने भी इनके सहयोगी हैं सभी लोगों के मन में था कि भामाशाह जी का जयंती मनाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना में तो जयंती मन रहा है, देश भर में अलग अलग जगहों पर भामाशाह का जयंती मना है। आज जयंती के अवसर पर हम संपूर्ण देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि भामाशाह का मतलब होता है कि पैसे तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष थे जो देश के लिए और समाज के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और महाराणा प्रताप को फिर से जिंदा कर दिया था इन्होंने अपने दान के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिया जाए वो दान है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के समाज को महाराणा प्रताप और भामाशाह से सीखना चाहिए और भामाशाह ने जो काम किया है इसीलिए भामाशाह पुरस्कार के रूप में भी बिहार सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो हम चाहते हैं कि भामाशाह को लोग समझें और प्रत्येक मोहल्ला में भामाशाह है। अगर भामाशाह वो आगे आ जाए तो कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, उनके लिए स्कूल, उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। वही इस कार्यक्रम में इस अवसर पर सत्यनारायण साह, सुजीत गुप्ता, वीरेंद्र साव, हरेंद्र साव, संजीत गुप्ता, सत्यम कुमार गुप्ता, बबलू कुमार, अजीत कुमार, नंदू गुप्ता, बीरू गुप्ता, अनामिका कुमारी, प्रिया कुमारी, प्रीतम कुमार, खुशी कुमार आदि मौजूद थे। बिहार ऑन न्यूज ब्यूरो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली खबर आपके पास आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।